जयनगर की बस्ती स्थित प्रसिद्ध राम जानकी पार्क बाबा पोखर का होगा सौंदर्यीकरण। पार्क का सौंदर्यीकरण व रखरखाव हेतु 15 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। पार्क में झूला, बैठने के लिए कुर्सी, पोखर के पानी में चलने वाली वोट लाइट और सीसीटीवी लगाने का लिया निर्णय। प्रसिद्ध स्थल को दार्शनिक स्थल के रूप में तब्दील करने सहित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर के प्रसिद्ध राम जानकी पार्क और बाबा पोखर जयनगर बस्ती का सौंदर्यीकरण कर इसे दार्शनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आज पार्क का सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए अनिल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसमिति से 15 सदस्यीय कमेटी का गठन कर अध्यक्ष वैद्यनाथ ठाकुर, सचिव अनिल सिंह, सह सचिव भूषण सिंह, रणधीर सिंह, उपाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह का चुनाव किया गया। बैठक में पार्क सौंदर्यीकरण हेतु फूल व बत्ती का पेड़ लगाने, बैठने के लिए कुर्सी, पेड़ के नीचे चबूतरा, लाइट गेट, सीसीटीवी, पोखर में घाट व बोट और नियमित सफाई कराने व पोखर में गंदगी फैलाने पर रोक लगाने के साथ साथ जागरूकता करने तथा महान योद्धा वीर कुंवर सिंह महाराणा प्रताप का स्मारक निर्माण कर मिथिला हाट के तहत दार्शनिक स्थल के रूप में तब्दील करने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी की जयंती पर खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार, अंचला अधिकारी कुमारी सुजाता, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष अंकुर कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह सहित दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्क में दर्जनों फूल पत्तियों का पेड़ पौधा लगाया जा चुका है। बैठक में अनिल सिंह, वैद्यनाथ ठाकुर, भूषण सिंह, चंद्रवीर सिंह, अरविंद सिंह, राजीव सिंह, विवेक कुमार, अनिल पासवान, मनमोहन सिंह, कृष्ण कुमार यादव, संजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयशंकर से संतु नायक की रिपोर्ट।